तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। पार्टी हो रही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप यूजर्स की। अबे टिकटॉक यूजर्स नहीं, व्हाट्सएप यूजर्स। अब हर बार टिकटॉक की थोड़ी लेनी होती है, बेचारे बैन होके बैठ गए हैं। अब तो अली हैदराबादी ने पेट्रोल पंप पे नौकरी भी ढूंढ ली है। नानी वाले ने मसार सेंटर खोल लिया अपना। और टिकटॉक की बच्चियों का खुद ही देख लो क्या हाल है। मेहरबानी है, साढ़े तो ला सही करो, अड्डे तो खोलो, असी अपने अड्डे चलाइए जाके घर जाके। किस चीज का अड्डा आपका? जी मेरा डांस का अड्डा है, मैं डांस करवाती भी हूँ, करती भी हूँ, मास्टर हूँ डांस मास्टर। मैडम परेशान, सर में दर्द हो गया है, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूँ, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांध धोने के लिए पानी नहीं है। क्या ये अपनी कब्र में जलाएंगे क्या बाबे? मंडी के बच्चे गालियां तो मैं बकूंगी भाई, अल्लाह दी कसम वाली गल है। ऐसे लोग कहते हैं कि इमरान खान को मौका देना चाहिए ना, तब्दीली लेके आएगा और नवा पाकिस्तान बनाएगा, उन्होंने मौका देख देना चाहिए। उन्होंने देना भैन का रिश्ता भी उन्होंने देना। खैर व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी फरजाना काम वाली से लेके नदीम दूध वाले तक सब इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें पैनिक की भी अलग अलग तरीके से लगती है। पिछले दिनों जिन लोगों को नहीं पता, व्हाट्सएप वालों ने नई प्राइवेसी पॉलिसी निकाल दी। वो मिडिल एज लोग जो रोड के नुक्कड़ पे नारा खोल के मूत रहे होते हैं, उनको अपनी प्राइवेसी याद आ गई। मतलब रोड पे पिंक कलर के नारे को टाई की तरह लटका के घुमाने वाले आज एक्सपोज्ड फील कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग जिस स्पीशीज की बात करने जा रहे हैं, उनको तो बंदा छित्र प्यों के मारे सो और गिने एक। ये है हमारे और तुम्हारे अपने निब्बा निब्बी। अभी रात को जानू और करें वाले मैसेज भेजने वालों को आज टेंशन है कि व्हाट्सएप हेडक्वार्टर में बैठा कोई जफर उनकी चैट तो नहीं पढ़ रहा, क्योंकि जैसी इनकी चैट होती है वो अगर कोई पढ़ ले तो उनके लिए बुंड नंगी करके चौक पे खड़ा करने के बराबर है। इस सब में अगर किसी के टुटे शॉट हुए हैं ना तो वो इनके हैं। और ये वही लोग थे जो सबसे पहले बुंड पे चादर डाल के कहते हैं कि टेलीग्राम ऐप पे जाते हैं, सुबह से शाम तक टुटियों की तरह बात करेंगे और फिर कोई चुतिया सा जोक मार के उसके जवाब में फ्लर्ट करके स्क्रीनशॉट लगाएंगे और लिखेंगे माइंड फॉरएवर। बंदा बुंड में लात मारे कि जब उसका कजन शकील आके तेरा शापर डबल करेगा ना, तो फिर कोई थर्ड क्लास दुखी घाटे पे नस काटने वाली फोटो लगा के स्टेटस अपलोड करेंगे और वेट करेंगे कि निब्बी आके उनका स्टेटस देखे और इसको पूछे कि ओ माय गॉड निब्बे, ये तुम मेरी मोहब्बत में इतना पागल हो। अगर किसी निब्बे का फुद्दू कट जाए और निब्बी एल करा दे तो ये स्टेटस लगा के बताने की कोशिश करेंगे कि भाई खतरे गलत हो गए थे, खड़ी नहीं हो रही मेरी, मुझे अटेंशन दो। दुनिया के सारे गम पैंट स्टेटस पे चढ़ा देंगे। अगर कभी इनका फोन खोल के देखो तो निब्बी का नंबर किस नाम से सेव करेंगे? लाइफ लाइन। उत्तर तेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लाइन है और वो तेरी बुंड में लगी है। जब कटेगा ना तो लाइफ लाइन का तो नहीं पता, लेकिन पिछली लाइन से आईफोन जरूर ले सकेगा तू। और अब जब व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी आई थी तो इनको फील हुआ कि इनकी बॉब्स एंड विगाना वाली पिक्स लीक हो जाएंगी, इनका निक्का निब्बा एक्सपोज हो जाएगा। तो इन्होंने ऑल्टरनेटिव सोचा जिसमें इनको लगा कि टेलीग्राम यूज करेंगे, वहां लीक नहीं होगा। बंदा पूछे टेलीग्राम ने पैंपर पहना है? इनका व्हाट्सएप सिर्फ चूतिया इश्क कोट्स और शाड़ी से भरा होगा जो निब्बी को सुना के बोल रहे होंगे कि तुम्हारे लिए मैंने खुद लिखी है। 3 बजे नोट्स मांगने वाले आजकल निब्बी को टेलीग्राम सिखा रहे हैं कि वहां पे टोटे ले सके। अब ऐसे लोगों का व्हाट्सएप खोल के देखो तो तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेंगे कॉपी पेस्ट हुए हुए गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस जो इनको साल पहले किसी ने गूगल से उठा के दिए थे और ये हर सामने आने वाली पे स्टिकर की तरह चिपका रहे। फूल है गुलाब का, सूखने नहीं दूंगा, खड़े खड़े लूंगा, झुकने नहीं दूंगा। खैर अब हम लोग बात करते हैं अपने प्यारे भोले पेरेंट्स पे। अब तुम लोग तो हर टाइप की बावली गान नेट पे देख चुके होते हो, सबा के लोड से लेके अस्मा का एक्सीडेंट, तो तुम्हें तो पता है कि सबा के पीछे साबर कुंडी बैठा हिला रहा है कि अभी कोई बकरा हाथ लगेगा। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, बच्चे से लेकर बुड्ढे सब इन होते गए। वो अम्मी अब्बू जो कुछ साल पहले तुम्हें लानते भेजते थे कि साद साद पुत्र चाय, ये देखो जरा, ये देखो इनको जरा, हमारे जमाने में तो खत लिखा करते थे, ये लिखना ही भूल गए हैं। बस हर वक्त 24 घंटे हाथ चल लिएगा इनका मोबाइल पे, टक 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 टक। कितनी कुत्ती औलाद है, जरा अपनी इस माँ को छोड़ के ना इस माँ को भी देख लिया करो गौर से। चाय भी नहीं दूंगी अब तुझे उल्लू तपट्टा। एक पेरेंट्स की आदत यह है कि व्हाट्सएप पे रिसीव होने वाली किसी भी वीडियो पे आंख बंद करके यकीन करते हैं। किसी चूतिए ने रिश्तेदारों के ग्रुप में फेक इन्फॉर्मेशन डाल दी कि फलाने कंपनी के चिप्स में सुअर डलता है। अब ना कोई सोर्स ना कोई कंफर्मेशन, लेकिन वो सुअर वाली इन्फॉर्मेशन सच है भाई, और आज के बाद तुम्हारा चिप्स खाना बंद। सही तो मेरी तब फटी थी, पिछले दिनों किसी ने GTA गेम की क्लिप भेज दी जिसमें गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा था। अब वो एक वीडियो गेम थी। क्लिप पहुंच गई जी रिश्तेदारों के फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उधर सारों ने इन्ना लिल्ला पढ़ना शुरू कर दिया, उसकी मगफरत की दुआएं शुरू कर दी, नीचे ड्राइविंग सेफ्टी टिप्स देने शुरू कर दिए, कहना शुरू कर दिया कि भाई अपने बच्चों से अभी अभी गाड़ी की चाबी लो। अब वो गेम की क्लिप देखने के बाद अम्मी तुम्हारी घूर के देखेगी तुम्हें और बोलेगी हो हाय अल्लाह माफी, साद तू अपनी गाड़ी की चाबी दे दे मुझे, तू अब गाड़ी नहीं चलाएगा, देख बाहर के क्या हालात हो रहे हैं। आप ना ये टिकटॉक बैन होने का गुस्सा मेरे पे ना निकालें।
एक और जो इनकी आदत मुझे जहर लगती है ना, वो ये है कि ग्रुप में कभी कोई जरूरी बात नहीं करेंगे, बस उर्दू में लिखा हुआ 1500 पैराग्राफ अचानक सेंड कर देंगे और सोचेंगे कि अब ये पैराग्राफ सब पढ़ेंगे। फिर कहते हैं हमारी औलाद बहुत वेली है। स्कैम लिंक्स में फंसने वाली भी ज्यादातर यही होते हैं। इनको किसी ने लिंक फॉरवर्ड कर देनी जिसको खोल खोल के इन्होंने 10 ग्रुप्स में फॉरवर्ड करनी है। फिर सोचेंगे कि हम लोग गाड़ी और उमरे का टिकट हासिल करने के कुरानदाजी में शामिल हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे क्यूल बॉयज और स्वैग बॉयज। दुनिया बड़ हवा में करके चले या नानी वाला अगले का पानी निकाल के आईफोन देना बंद कर दे, इनके एल्बे ठंड है। इनका बस एक ही रोल मॉडल है, छोला रिकॉर्ड। इनको गलती से मैसेज कर दोगे ना तो ये जवाब कुछ ऐसे देंगे, याले ठीको ना होशो। या तो कोई स्टिकर भेज देंगे जिसमें पोले की टिंड बनी होगी और उसका कोई कोट लिखा होगा। इनकी दुनिया अलग है, इनका स्वैग लेवल अलग है। इनके व्हाट्सएप में तुम्हें सबसे ज्यादा बच्चियां मिलेगी जिनसे इन्होंने सीन जोन खाया होगा, और उनमें से जिसको ये नॉर्मली छुपा कर रखते हैं कि बिस्ती ना हो जाए और हमारा स्वैग लेवल ना कम हो जाए कहीं। और छुपाने का सिर्फ ये रीजन नहीं होता, इनकी प्राइवेसी इतनी है कि आपस में दोस्त वगैरह बैठे होंगे और कोई इनका फोन छीन लेगा और व्हाट्सएप खोल लेगा, फिर मैसेजेस पढ़ लेगा, फिर सारा दिन बैठ के तुम्हारी बोल लेगा, सिंप पिंप बोलेगा, बोले का खिताब मिलेगा। इनके व्हाट्सएप पे तुम्हें सिर्फ लौंडे मिलेंगे और वो भी दिल खोल के। ये व्हाट्सएप पे अगर एक दूसरे को वॉइस नोट भेजेंगे ना तो अगला कभी हेडफोन के बगैर नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको पता है कि भेजने वाला शैतान का बच्चा ऑलरेडी 10 साल का जहन्नुम में वीजा लगा चुका है। इंसानियत तो वो पैंट 1990 में ही दफना के आ गया था, लाजमन कोई ना कोई पैंटिया की लगाई होगी वो इस नोट पे। इनका व्हाट्सएप यूज करने का मकसद है अगले की बुक में घुस के फट जाना, या ये टिकटॉक से कोई गाड़ी की वीडियो उठा के खुद को बिल गेट्स की नजायज रट्टी शो करना शुरू कर देंगे कि हमारे पास गाड़ी है, हमने तो पैंटो खोते के नीचे लग के सफर किया ना। इनमें एक किस्म होती है उनकी जिनके खतने हुए 4 दिन नहीं हुए होते और उनको लगता है कि लोग उनसे जलते हैं, सेलिब्रिटी टट्टी बॉय हैं, सैफ के बेटे तैमूर की लंडे कॉपी हैं। इनकी बेहतरी के लिए इनको इंसानों वाली कोई बात बता दो, इनको लगता है कि अगला इनका हेटर है, इनसे दुश्मनी है उसकी। बंदा पूछे तेरी कौन सी दुश्मनी भाई, नीडो वालों ने फड्डा कर लिया है या पैंपर वालों ने तेरे साइज की नैपी बनानी बंद कर दी है, टीचर ने बुक में स्टार नहीं दिया या पड़ोसी अंकल ने तुम्हें झोली में नहीं बिठाया, कौन से तेरे हेटर्स। हिला हिला के तो इतना खत्म हो चुका है कि बंदा फूंक मारे तो अफ्रीका के जंगलों में किसी गोरिल्ले के चड्डों में पड़ा होगा। बंदा इन जैसों की इतनी मारे कि इनके अंदर से करके चीखे निकले। अभी 75 डिग्री पे टेढ़ी हुई बंद की फोटो कुत्तों की तरह फिल्टर लगा के कहेंगे आई वाज बारन कूल। बंदा पूछे तेरी डिलीवरी फ्रीजर में हुई थी या अब्बा का बर्फ का फट्टा था या अंटार्कटिका में किसी पोलर बियर ने तुझे गुट्टी दी थी, खड़ा तो ठीक से हो जा, वो नहीं कर सकता तो खड़ा ही कर ले, क्या पता किसी निब्बी की जिंदगी बन जाए। इनके व्हाट्सएप सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए है कि वो कहाँ गए थे, क्या खाया था, किसने इनकी बुक पे हाथ लगाया था, कैसे इन्होंने कटवाया था, कौन कौन इनके साथ नहाया था। मतलब पैंचों की खाने जाएंगे तो स्टेटस पे लगाएंगे ईटिंग मक्लुंडस विद माय ब्रोस, या फिर लिखेंगे इन राउट टू लोरों की बस्ती। मतलब पैंच तुम्हें किसने कहा कि बताओ, जा पूछ क्या, जिसको बताना है खुद डीएम कर ले। अब अगर गलती से ये पेपर दे रहे होंगे और आखिरी पेपर होगा तो तुम्हें सबसे पहले जो चीज देखने को मिलेगी वो होगी एक स्क्रीनशॉट जिसमें सब नोट्स की फोटो डिलीट करने का ऑप्शन होगा और ये वो पोस्ट करके कहेंगे डन विद दिस शिट। और फिर जब इन पैड़ियों को अगर रिजल्ट आएगा तो टीचर कहता है पुत्र कम अंडर माई डेस्क। अब व्हाट्सएप ने जितनी साइंस में तरक्की कर ली है, जो पहले लड़ाई फेस टू फेस होती थी वो अब व्हाट्सएप पे होती है। एक दूसरे को व्हाट्सएप पे उसका एड्रेस भेज के बोलेंगे पुत्र एक मिनट में जरा तू खोलना जरा वेट कर। खानदानी लड़ाइयां भी इतनी डिजिटल हो चुकी है कि अगर आपको गुस्सा दिखाना हो तो ग्रुप लीव कर दो। खाला के लड़के ने फुप्पो के लड़की की सलवार उतार दी तो फुप्पो ने ग्रुप लीव कर दिया कि भाई मेरे उठाओ अब मैं नाराज हूं। निब्बी को निब्बी ने 14 फरवरी को रिंग नहीं लेके दी तो निब्बी अपनी डीपी रिमूव करके लास्ट सीन हाइड कर देगी कि भाई तुम मरवा लो बंद, आई एम नाराज। अब व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा गुस्सा जिनको है ना वो है लाहौर वाले। उनका पैर जो शुगल मार दिया लाइव लोकेशन डाल के, पहले जो उनको गलत रास्ता बता के लोगों की बंद लेने में मजा आता है पूरा लाहौर घुमा के, अब वो डायरेक्टली लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। मतलब व्हाट्सएप के लोकेशन फीचर से पहले लोगों ने नाना के घर जाना होता था, लाहौर वाले उनको नानी वाले के पास भेज देते थे कि फ्री का आईफोन मिल रहा है। व्हाट्सएप वालों को तुम लोग की पैड़ियों का पता लग जाए ना तो सबसे पहले उन्होंने यही कहना है शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया, ये दुनिया बहुत खराब है ना। तो यार बस आज के लिए इतना ही, और अगर तुम्हें लगता है ना कि इस वीडियो के अंदर तुम्हारा या तुम्हारे दोस्त का जिक्र हुआ है तो इस वीडियो पे लाइक मारो और अपने उस दोस्त को ये वीडियो सेंड करो और साथ में मेरी तरफ से लानत भी, पुरानी गंदी जराबे सुंघाओ और बोलो ओ कुत्ते ए आ देख आज तेरी शक्ल है आज। अब अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ और यार लाइक कर देना वीडियो को। और सबसे पहले तो माजरत मैं इसे बाद अपलोड कर रहा हूं, लेकिन अगर इस वीडियो पे 200,000 लाइक्स हो गए तो भाई सेटअप टूर उसी वक्त, अगर ना डाला तो तुम लोग डाल देना मेरे अंदर।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि वैसे भी अपनी टीम ने डिसाइड किया है कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाले के लिए नानी वाला आईफोन के साथ अपनी पेश करेगा तुम्हारे सामने। टेंशन नहीं लेनी, तल्लुक बहुत है भाई। कदी मारे यानी हक, कदी पाया नहीं फसा, खुश रहते मेरे लोग, खुश हैगा मेरा बाप, तेरी छोटी हैगी सोच, कर अपना हिसाब, अपना हिसाब, मेहनत आए सब, मेहनत आए, मैं इत्थे आया आ, असी देने आ प्यार, असी अगे तू जिन्ना भी